व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई यू वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। देखिए, आपको एक बात तो कंफर्म यहाँ पर करनी ही पड़ेगी कि आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। किसी टेलर के पास जाकर जिस तरीके से आप लोग अपने कपड़े सिला लेते हैं, आपको कहीं पर ऐसी कामयाबी नहीं मिलेगी कि आप लोग जाए और नाप देकर आ जाए कि हाँ मुझे इस लंबाई और इस चौड़ाई की कामयाबी चाहिए। आप लोगों को अपनी कामयाबी की लंबाई और चौड़ाई अपने आप डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं और जहां पर आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप कितना डेडिकेटेड है। तो ये आप लोगों को खुद डिसाइड करेगा। पेरेंट्स या फिर दोस्त या कोई फैमिली मेंबर अगर कोई भी है तो आप लोगों को एक सहायता कर सकता है, आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। एग्जाम में बैठ के एग्जाम आपको ही देना पड़ेगा, आपकी जगह कोई और नहीं देगा वहां पर। अगर आप लोग गेम में है तो आप लोगों को सुबह उठना पड़ेगा, पढ़ाई भी करते हैं तो आप लोगों को डेडिकेटेडली अपना एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपकी जगह कोई आकर नहीं कर सकता है। और जब आप भी जो आपको ही करना है तो फिर कल भी आपको ही करना है, परसों भी आपको ही करना है, तो क्यों ना ये आज से स्टार्ट किया जाए। तो कभी भी बात को टालिए मत कि आज करना है, कल करना है, परसों करना है। जिस दिन आप लोग ठान ले कि हाँ कुछ करना है, उसी दिन से अपना सोच समझ कर अच्छे से चीजों को स्टार्ट कर दीजिए और फिर देखिए आप लोगों को आगे चलते चलते रास्ते भी नजर आने लगेंगे और आप लोग जहां जाना चाहते हैं वहां आसानी से पहुंच भी जाएंगे। पर लेकिन कंडीशन यही है, आप लोगों को फर्स्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि जाना कहाँ है और किस तरीके से आप लोगों उस रास्ते पर चलना है और आप लोगों के पास में एक कंप्लीट प्लान उसका होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़िएगा। 20th फरवरी है, नैनो मैगजीन के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर PIB हो गया, योजना हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कुछ फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का दिन बड़ा ही शानदार है, आज है 25 में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमारी क्या चल रही है आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी आज की डेट में योजना भी चल रही है, ठीक है, जो कि जुलाई मंथ की है, तो वो भी डिस्कस कर रहे हैं। जो लेक्चर सुन रहे हैं उनको पता ही पा रहा होगा कि क्या क्या हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके कुछ पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी को यहाँ पर वर्ल्ड, ये आप लोगों को देखने को मिला वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसकी थीम पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, थीम क्या बात की गई यहाँ पर, वर्कर ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस। मतलब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो वर्कर हैं वो आज के डेट में चल घूम रहे हैं या फिर चल रहे हैं किसके लिए, सोशल जस्टिस के लिए। मतलब सोशल जस्टिस की खोज में आज की डेट में हर एक वर्कर है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली कई तरीके आप लोग यहाँ पर गैप नजर आते हैं, या तो कहीं पर रिलीजन का गैप देखने को मिलेगा कि हाँ ये रिलीजन का इंसान यहाँ पर है, या फिर जेंडर गैप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैन काम कर सकता है वुमेन नहीं कर सकता है, एज का डिफरेंस देखने को मिलेगा, रेस कई सारी आप लोगों काला भूरा हरा नीला इस तरीके के इंसानों में भी कई तरीके डिफरेंस निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी या फिर जो नॉर्मल पर्सन है उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो कई तरीके की यहाँ पर बातें देखने को मिलती है। तो किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में ये बैरियर है कास्ट रिलीजन या फिर रेस रीजन, ये सारे बैरियर हम लोग हटा सकते हैं, उसी के लिए यहाँ पर लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सोशल जस्टिस का फंडा निकल कर आता है। और इसी को कम से कम कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो हमारी कंट्री में पुअर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो उस और भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो डे याद रखिएगा 20 फरवरी, और इसके अलावा थीम भी आप लोग याद रख सकते हैं वर्कर ऑन द मूव ऑफ द मूव वर्कर ऑन द मूव द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस। क्वेस्ट होता है यहाँ पर खोज, सोशल जस्टिस की खोज में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इस तरह के दिन कई बार पूछ लेते हैं, खासकर अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स अपने, जो कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी आप इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर कनाडा के PM आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर ताजमहल देखने जा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारी कंट्री की 7 डे की विजिट पर है। 7 डे की विजिट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे एरिया में एग्रीमेंट करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज के डेट में कनाडा से हम लोग यूरेनियम खरीदते हैं। कनाडा में पेंशन फंड है बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कुछ हो भी रहा है काफी हद तक, तो हमारी कंट्री को काफी फायदा हो सकता है। हमारी कम्युनिटी का बहुत लार्ज सेक्शन कनाडा में बसता है, यहां तक कि बहुत सारे MP जो, और MP में भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो लगभग हमारी कंट्री के हैं, खासकर पंजाब वाले एरिया से लगभग देखने को मिलेगा। कनाडा की लगभग 3% जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इंडियन पॉपुलेशन है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कनाडा से अगर हमारी कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर यहां पर आता है। तो आइए थोड़ा आप कनाडा को एक बार मैप में निहार लेते हैं आप लोग, कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलेगी। हो गया हमारा प्यारा इंडिया, और यहाँ से आप लोग ऐसे होते हुए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ऐसे होते हुए आप लोग कनाडा यहाँ पर जा सकते हैं।
कनाडा आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगा, ये हो गया यहां पर यूएसए, यूएसए आप लोगों को देखने को मिलेगा, नीचे यूएसए हो गया, और ये वाला पार्ट भी आप लोग यहां पर, ये भी यूएसए का पार्ट है, अलास्का इसको बोलता है, एके लिखा हुआ है अलास्का इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन है कनाडा, कनाडा में ये कई बार पूछा जा चुका है, यहां पर आप लोग याद रखते हैं, ये है हुडसन बे, ठीक है ना। तो इस तरीके क्वेश्चन भी आप लोगों से मैप पे पूछ ले जाते हैं कि हुडसन बे कहां पर पड़ता है, तो ये कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा जूम किया जाए तो कई सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, देख सकते हैं यहां पर ये वाला पोर्शन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर हो गया कनाडा, और कनाडा से ये लाइन होती हुई जा रही है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यूएसए और कनाडा के बीच में, और ये नदी है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेक्स इन लेक्स के बीच में भी आप लोगों को जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, तो लेक के बीच भी लेक भी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है यूएसए और कनाडा के बीच में, आप लोग इनके नाम थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं इस तरीके के लेक्स के नाम, तो ये लेक्स के नाम आप लोगों को यहाँ पर पता होने चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर बड़ा बड़ा ये मोटा मोटा पांच लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वाली लेक का अगर नाम बात नाम किया जाए तो ये है लेक सुपीरियर, ठीक है ना, ये वाली लेक का नाम है सुपीरियर, ये वाली लेक बोलेंगे आप लोगों को मिशिगन, ठीक है। ये वाली लेक आप लोगों को, ये वाली जो लेक है आप लोगों को सबके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी लेक में से कनाडा और यूएसए डिवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ पर जो मिशिगन है इसमें ये डिवाइड नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाली लेक मिलेगी आप लोगों को, ये वाली लेक है यहाँ पर मुरन, ठीक है, तो इस वाली लेक का भी आप लोग नाम याद रख सकते हैं। ये दूसरे वाली आप लोगों को जब यहाँ पर इस लेक का बात नाम की जाए तो ये वाली लेक यहाँ पर इरिक, ठीक है, और ये वाली लेक है यहाँ पर ओंटेरियो। तो यहाँ पर जो ये चार लेक है इनमें से तो होता हुआ यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा आप लोगों को कनाडा का, और ये जो मिशिगन है इसमें से यहाँ पर नजर नहीं आता है, तो चार लेक यहाँ पर डिवाइड है, और ये पांच लेक बहुत फेमस है, कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इनका नाम पता होना चाहिए थोड़ा सा, ओके। अब बात चलते हैं आगे, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहां पर वुमेन पर बहुत सारे पाबंदी लगाई जाती है, उसमें से सऊदी अरेबिया भी एक है, पर लेकिन सऊदी अरेबिया में बोला गया है कि वुमेन अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और उसको मैन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब मेल पार्टनर से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ये काम किसके द्वारा किया गया है, ये काम किया गया जो आगे प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। देखिए प्रिंस यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जब से प्रिंस आए हैं बहुत सारी उथला पुथली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, खासकर सऊदी अरेबिया की पॉलिटिक्स में। आप लोग कुछ दिनों पहले कई सारी बातें और भी न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि सारे जो भी बड़े बड़े यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर जो प्रिंस थे या फिर जो बड़े बड़े किंग थे या बिजनेसमैन थे या फिर पॉलिटिशियन थे, सबको इन्होंने जेल में डाल दिया, और चार्ज क्या लगाया उन पर, करप्शन का। करप्शन वरप्शन कुछ नहीं था, ये अपनी पावर को यहाँ पर इकट्ठा करके पावरफुल बनना चाहते थे, और वही काम इन्होंने किया ताकि आगे आने वाले टाइम में ये कोई भी रिफॉर्म यहाँ पर लेकर आ सके, और वही ये काम कर रहे हैं। अब बड़े बड़े रिफॉर्म यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जिस तरीके से ये चाहिए उस तरीके से रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, और खासकर इनका फोकस ये है कि आने वाले टाइम में अगर हमारी कंट्री में से यहाँ पर ये देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है, अगर इनकी कंट्री में यहाँ पर कल को ऑयल इंपोर्ट की अगर कोई कमी हो जाती है, मतलब ऑयल नहीं जा पा रहा है इनकी कंट्री से बाहर, ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो इनकी इकोनॉमी मैक्सिमम ऑयल के ऊपर डिपेंड है, तो ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री को ऑयल के ऊपर से हटा के किसी और फील्ड में भी हम लोग अपना वर्क कर सके, तो इसीलिए बहुत सारे रिफॉर्म अपनी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, तो ये भी बात आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। आप लोगों ने सुने होंगे प्राइम मिनिस्टर जी का जो यहाँ पर इंट्रैक्शन था अभी बच्चों के साथ में, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर यह क्या बात थी, यहाँ पर यह की थी इन्होंने परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों से डायरेक्ट इंट्रैक्शन किया था, आप लोगों ने सुना होगा काफी इंटरेस्टिंग था वो, कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आए जिनको देखकर काफी हंसी छूटी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो कई सारी बात की गई थी, पर लेकिन जब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर आ जाती है, जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात आती है तो आप लोगों के सामने मिनिस्ट्री रहती है, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये सारे मैटर्स इस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री आप लोग याद रख सकते हैं। कल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में, तो यहाँ पर ये टारगेट आप लोग याद रख सकते हैं 2022 तक यहाँ पर बात की जा रही है 20,000 ट्राइबल पर्सन को यहाँ पर स्कूल में एडमिट करने की, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और अपने एरिया में वो अच्छे से वर्क कर सके, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, डायरेक्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। एलपीजी पंचायत, इस तरीके के वर्ड कई बार इंटरेस्टिंग होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइज करवाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है, ये आप लोग देखेगा इसके द्वारा ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई है। एम क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां पर एलपीजी के सिलेंडर होते हैं, ठीक है ना, उसके कंज्यूमर जो होते हैं उनसे इंटरेक्शन किया जा सके, किस तरीके से आप लोग म्यूचुअल यहाँ पर एक दूसरे से सीख सकते हैं, क्या क्या अपने एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड वो शेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने जब पॉलिटी डिस्कस करा था तो पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था, किस तरीके से वर्क करता है टोटल हम लोगों ने डिटेल में जाना था, तो पंचायत का सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा, सब आकर बैठेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम इनको यहाँ पर निकल कर आती है तो उसको फिर आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि उस एरिया से कोई भी प्रॉब्लम है उसको निपटाया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप लोग जानती है, बजट में भी इसके बारे में आप लोगों को जानने को मिला, इन्होंने क्या किया है 5 करोड़ से अब 8 करोड़ यहाँ पर सिलेंडर देने की बात की है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिनसे आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए।
कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हसन रूहानी जी ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की विजिट पर है, तो कई सारी बात यहां पर की जा रही है, कई सारे एग्रीमेंट यहां पर साइन की जा रहे हैं। तो चाबार पोर्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, यहां पर इंडिया डेवलप कर रहा है चाबार पोर्ट को। इसके बाद में अस्कबाद एग्रीमेंट, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था, ये बताइए कब से स्टार्ट हुआ था, क्या इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, अभी लेटेस्ट न्यूज में था बताइएगा जरूर। नेक्स्ट बात की जाती है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, इसको भी यहां पर ओपन करने की और इसके साथ में वर्क करने की बात की जा रही है। इसको थोड़ा मैप में आप लोग निहार सकते हैं, यहां पर ये देख सकते हैं जिसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड रूट की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया को अगर वहां पर जाना है तो इंडिया को यहां से होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग स्टैंडर्ड रूट देख सकते हैं, यहां से होते हुए ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ये वाला हो गया यहां पर नॉर्थ सी आप लोगों को देखने को मिला, बाल्टिक सी देखने को मिला यहां तक पर। लेकिन जब बात की जाती है ये वाला जो रूट बनाने की बात की जा रही है, यहां से डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया यहां पर चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो यहां से होता हुआ इंडिया यहां से होता हुआ आप लोग देखते हैं, यहां पर ईरान से होता हुआ अजरबैजान आराम से यहां पर इस तरीके से हम पहुंचा जा सकता है आराम से, तो काफी शॉर्ट डिस्टेंस हो जाएगी और खासकर जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है उनके साथ में हमारे रिलेशन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इन सब एरिया में वर्क करने की बात की जा रही है ईरान के साथ में, अगर हम लोग ढंग से वर्क कर पाते हैं तो काफी अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा। और वैसे भी काफी आज के डेट में प्रॉब्लम होती हुई जा रही है, जब से आप लोगों को देखने को मिलेगा गुट बन गया, खासकर आज के डेट में रशिया ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए और ईरान भी उसी गुट में जाता हुआ नजर आ रहा है जब से बात आ जाती है प्रॉब्लम निकल के यूएसए की साइड से। तो थोड़ा सा वो भी आप लोग यहां पर एंगल अगर काउंट करके चलेंगे तो आप लोग डिटेल में इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये बातें थी यहां पर आप लोगों के सामने। इसके अलावा बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्रीमेंट यहां पर साइन किए गए, एमओयू साइन किए गए इंडिया और ईरान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस की बात यहां पर की जा रही है, किस तरीके से फिस्कल इवेजन को यहां पर रोकने के लिए उन सब चीजों को टैकल करने के लिए यहां पर देखा जाएगा। जिस इंसान के पास में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारी और बातें यहां पर जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं एक्सटेंशन ट्रीटी, मतलब अगर हमारी कंट्री कोई वहां पर कोई भी वहां पर हमारी कंट्री का इंसान है जो कि वहां पर जेल वगैरह में है तो उनको यहां पर लाया जाएगा। मेडिसिन के फील्ड में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर कई सारे एरिया जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट के ट्रेड के एरिया हो गए, इन पर फोकस रहेगा। एग्रीकल्चर वगैरह, अलाइड सेक्टर, हेल्थ, मेडिसिन, कॉपरेशन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और चाबार तो आप लोग जान ही रहे हैं जिस पर अच्छे से हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो चाबार में भी आप लोग जान सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल एग्रीमेंट आप लोगों को मोटा मोटा यहां पर देखने को मिलेगा, रटने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक दो बार नजरों में को निकाल लीजिएगा, बाकी का आप लोग जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग याद रखें। चाबार पोर्ट के बारे में जो बात की जाती है इस तरीके की बातें आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ कंट्री के आप लोगों को एम्बेसडर भी पता होना चाहिए जहां पर हमारी कंट्री के एम्बेसडर है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आज के डेट में काफी न्यूज में भी थे, ये है नवदीप सूरी। तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूए की विजिट पर थे तो उन्होंने वहां पर इनोग्रेट किया था टेम्पल की बात की गई थी, टेम्पल इनोग्रेशन किया गया था, फर्स्ट हिंदू टेम्पल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यूएई में। तो जो स्टार्टिंग की स्पीच वहां पर दी गई थी, जो इनोग्रेशन वहां पर चीजें स्टार्ट की गई थी, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सारा काम नवदीप जो सूरी जी थे इनके अंडर में सारा काम चल रहा था, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर है कुछ कंट्री में, आप लोगों को उनके बारे में नाम पता होना चाहिए, बाकी जो न्यूज में आते रहेंगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। आइए अब आगे चलते, तो यहां पर आप लोगों को यहां नाम जरूर याद रखेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारे एंबेसडर हैं नवदीप सूरी, ठीक है। अभी लेटेस्ट आप लोगों को मैराथन देखने को मिलेगी यहां पर, आप लोग देखते हैं अंडमान पर, ठीक है ना, अंडमान मैराथन यहां पर ऑर्गेनाइज करवाई गई है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसका नाम भी यहां पर आप लोग देखते हैं थॉमस कुक अंडमान मैराथन 2018। तो इस तरीके कई बार पूछे जाते हैं कि ये मैराथन कहां पर ऑर्गेनाइज करवाई गई है, तो खासकर काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अंडमान हमारे लिए, तो आप लोग उसको याद रख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चीफ गेस्ट थे यहां पर वो थे यहां पर जो कि यहां के फिलहाल आज के डेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो डीके जोशी आप इनका नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा आप लोग मैप में निहार सकते हैं, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, यहां हो गया हमारा ये वाला एरिया अंडमान एंड निकोबार, थोड़ा आप लोग इसको देख सकते हैं ये वाला एरिया। थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर चीजें भी नजर आ जाएंगी फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अपने एरिया को यहाँ पर जूम कर करके देख सकते हैं, तो आप लोग कई सारी बातें यहाँ पर नजर आती चली जाएंगी। बात क्या की जा रही है यहाँ पर, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग पोर्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा सा और जूम किया जाएगा तो आप लोगों की समझ में यहाँ पर चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर अंडमान, ठीक है ना, ये वाला आईलैंड वाला जो एरिया हो गया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी एरिया हुआ करें ना, थोड़ा सा उसको जूम कर करके आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा एरिया कौन सा है हमारी कंट्री का। कोई सा भी आप लोग जूम करके, कितना भी इसको जूम करके आप लोग देख सकते हैं आराम से, तो आप लोग इसको और भी ज्यादा आप लोग क्लैरिटी यहाँ पर नजर आएगी, जैसे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो अंदर की चीजें, खासकर अपनी कंट्री की चीजें, तो आप लोग जितना अच्छे से निहारे उतना ज्यादा कम है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलती रहती है अगर आप लोग इसको ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा एरिया यहाँ पर इस तरीके से, मिडिल अंडमान यहां पर हो गया, ये देख सकते हैं इस तरीके से, नॉर्थ अंडमान वहां पर हो गया, ठीक है। तो ये कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है इनको लगाने के लिए नॉर्थ से साउथ से,
तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं पास्ट में। ये नीचे और जाएंगे तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा इस तरीके से, साउथ अंडमान यहां पर हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलेगा आप लोगों को लिटिल अंडमान। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर इसको देखते रहेंगे तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी आती चली जाएगी चीजों को लेकर। ओके, नीचे इस तरीके से आएंगे, फिर और भी एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग हम कहाँ पहुंच गए, मतलब मैप को तो जब आप लोग देखें ना इतना मजा आएगा देखने में। ये देखें मलक्का स्टेट हो गया यहाँ पर, मलक्का स्टेट बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आप लोग यहाँ से जाएंगे होते हुए आप लोग देखें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सिंगापुर इसी से होते हुए जा जाता है, मलेशिया हो गया, कुआलालंपुर हो गया, तो ये हमारे ही पड़ोस में पड़ता है। अगर थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे तो ये हो गया इंडिया, तो यहाँ से होते हुए इस तरीके से। तो मैप में जितना टाइम निकाले उतना कम है आप लोगों के लिए, कम से कम 10 मिनट तो डेली आप लोगों को देनी ही देनी है। नेक्स्ट ही कॉन्फ्रेंस आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जब से आप लोगों ने बजट भी देखा होगा यहाँ पर, तो किस तरीके से फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, तो एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है। 19-20 फरवरी में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, यानी कि कल और आज आप लोगों को ये देखने को मिली है यहाँ पर। आखिर है क्या इसमें, यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर आप लोग किसान देखने को मिलेंगे, ये फार्मर के साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट देखने को मिलेंगे, और भी जो एरिया यहाँ पर इससे कनेक्टेड है वो सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ाया जा सकता है, जो आप लोगों को हॉर्टिकल्चर होती है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री पे कैसा फोकस किया जा सकता है, कहां से उनको क्रेडिट मिल सकता है, किस तरीके से उनको मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसान को किस तरीके से हम लोग फार्मर की इनकम डबल कर सकते हैं, उसके ऊपर टोटल यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। तो ये है कॉन्फ्रेंस आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। कॉन्फ्रेंस कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में सबको इकट्ठा करके किया, सबको इकट्ठा किया गया यहां पर किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो पूरा फोकस इस पर है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर फार्मर की जो कंडीशन है उनको सुधार सकते हैं, ताकि वो सुसाइड वगैरह न करे, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी कुरीति चली हुई आ रही है, जिसमें फोकस दिया जाता है खासकर लड़कों पर, मतलब लड़कियों को नहीं चाहता है कि कोई लड़कियां पैदा हो, बस लड़के लड़के पैदा हो, इसलिए गर्भ में उसको चेक करने की कोशिश की जाती है कि लड़का है लड़की है, अगर लड़का है तो सही है, अगर लड़की है तो फिर उसको खत्म कर दिया जाता है वहीं पर। तो उसी के लिए कई सारे रूल रेगुलेशन हमारी कंट्री में बनाए गए हैं, तो यहाँ पर PCNPNDT आप लोगों को ये एक्ट देखने को मिलेगा, जो कि गर्ल चाइल्ड को सेव करने का काम करता है। अगर कोई यहाँ पर किसी भी तरीके से चेक करता है कि यहाँ पर लड़का है लड़की है गर्भ में उसको, तो उसके यहाँ पर कई सारी प्रक्रिया की जाती है उसके ऊपर, खासकर जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उन पर यहाँ पर उनके कैंसिल कर दिया जाते हैं लाइसेंस वगैरह भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसको आप लोग बोलेंगे अगर इसकी फुल फॉर्म देखने को मिलेगा PCNPNDT एक्ट के बारे में, तो यह प्री कंसेप्शन एंड द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994। तो ये बातें आप लोग याद रख सकते हैं, और किसके अंडर में आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो कई बार इस तरीके की बातें पूछी जाती हैं। बाकी यहाँ पर साइलेंट फीचर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि सेक्स का सिलेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, खासकर जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के लिए है, जो चेक कराने जाता है और जो चेक करता है, दोनों के ही लिए यहाँ पर फाइन भी है, और दोनों के लिए ही यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई तकड़ी सजा भी है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा न करे और करते हुए भी डरे, ठीक है। तो इस तरीके आप लोगों को डिटरेंस क्रिएट करने की एक पॉलिसी आप लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। और कुछ टैगलाइन भी आप लोगों को ऐसी देखने को मिल रही है, स्टॉप सिलेक्शन एंड सेव द गर्ल चाइल्ड। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री और जरूर याद रखिएगा, ठीक है, और ये एक्ट याद रख सकते हैं आप लोग। अगर बात करूं मैं अपनी कंट्री में पोर्ट्स की, तो कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। पोर्ट तो हमारी कंट्री में है, मेजर पोर्ट भी है और छोटे छोटे पोर्ट भी है, पर जब मेजर पोर्ट की बात आती है वो इतने मेजर नहीं है कि ताकि उनको ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और दूसरी कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो इसीलिए पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू नेशनल पोर्ट आप लोग देखने को मिलेगा, मेजर पोर्ट में आता है, तो इस पोर्ट को यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है, खासकर काफी लार्ज स्केल पर कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी आगे आने वाले टाइम में। तो फेज फर्स्ट कंप्लीट करने की बात करिए जल्दी टाइम में, और फेज सेकंड विल बी कंप्लीटेड बाय 2022। तो इस तरीके से फेज मैनर में यहाँ पर काम होगा, जो भी यहाँ पर कंटेनर जो भी यहाँ पर आएगा, जो भी यहाँ पर लॉजिस्टिक आएगा, तो जो लॉजिस्टिक की हेल्प से जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा वो शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि हमको दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है 7915 करोड़ यहाँ पर इसके लिए खर्चा आने वाला है। आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, एबीसी से रिलेटेड है, नवी मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर फोकस क्या रहता है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर देखते हो एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जा सके, एक रेलवे ट्रैक को यहाँ पर कनेक्ट किया जा सके, रोडवेज को कनेक्ट किया जा सकता है, ऑल ओवर कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाई जा सके, ताकि अच्छे से यहाँ पर आसानी से यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को स्टेब्लिश किया जा सके। तो ये कुछ बातें इसके बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर फोर्थ कंटेनर टर्मिनल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको कनेक्टेड करने की बात की जा रही है। तो कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ओके। अच्छा ये बताइए हमारी कंट्री में कितने लार्ज पोर्ट हैं, ये क्वेश्चन कई बार पास्ट में पूछा जा चुका है, खासकर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, CAPF वगैरह में या फिर आप लोग देखेंगे NDA वगैरह में।
नेक्स्ट पॉइंट ये अवेयरनेस का पॉइंट बोल सकते हैं। इस तरह की बातें भी कई बार पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में तंबाकू से काफी कैंसर होते हैं, ठीक है, तो खासकर अवेयरनेस का प्रोग्राम भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी तरीके प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तंबाकू सेसेशन प्रोग्राम मतलब क्या, इसका तंबाकू को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर कोई भी आप लोग जानते हैं, कोई भी आसपास में कोई बहुत ज्यादा तंबाकू या बीड़ी सिगरेट वगैरह यूज करता है, तो आप लोग इस नंबर पर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 0112291701। तो ये आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कंसल्ट किया जाएगा, यहाँ पर काउंसिल होगी आप लोगों किस तरीके से यहाँ पर तंबाकू या बीड़ी सिगरेट को छोड़ा जा सकता है। तो आप लोगों को मिस्ड कॉल करनी है, उसके बाद में कॉल बैक उधर से खुद से की जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि सबको फायदा हो जाए और किस तरीके से इस तरह की बीमारी मिटाई जा सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में कैंसर से मरते हैं। खासकर बात की जाए तंबाकू की, माउथ कैंसर वगैरह और ये सब चीजें। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कई सारी बीमारी और भी देखने को मिलती है, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली बीमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड भी कई सारी बीमारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये नंबर याद रखिएगा, अगर कोई आसपास में बीमार है, कोई इस तरीके की एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, सॉल्यूशन कुछ निकालना चाहता है, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। आइए थोड़ी नजर डाल लेते हैं अब योजना के ऊपर। आप लोगों को पता है हमारी योजना चल रही है यहाँ पर जुलाई की, तो उसके आर्टिकल डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर एसे लिखने में। अगर आप लोग निबंध लिखना चाहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, योजना जरूर पढ़ा कीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहती है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर, खासकर सोशल सिक्योरिटी और इन सब चीजों के रिलेटेड अगर कोई स्कीम्स हर महीने आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक। तो सोशल सिक्योरिटी अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं जब बात आती है सोशल सिक्योरिटी की, तो खासकर ये सेक्शन जो सोसाइटी का है, अनऑर्गेनाइज सेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको कभी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं दिलाई जाती है। अगर ये इंसान ऐसे हैं, अगर ये एक दिन काम नहीं करेंगे तो अगले दिन इनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तो इसलिए इनको काम रेगुलर करना ही करना पड़ता है, भले ही चाहे संडे मंडे। हम लोगों के लिए वीकेंड देख लीजिए आप लोग, थोड़ा वीकेंड में ये रहता है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में रह रहे हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में या फिर टीचिंग सेक्टर में कहीं पे भी रह रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो आप लोगों को संडे की ऑफ देखने को मिलेगा नॉर्मली, और अगर कोई छुट्टी लेते हैं तो उसमें भी आप लोगों को सैलरी दी जाएगी, कई तरह के इंश्योरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर इन सेक्टर में ना कोई सैलरी, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटी। तो सब कुछ ऐसे ही रहता है, बस हाँ अपना काम है, अगर चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो कहानी खत्म। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बात आती है जब यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा सोसाइटी में एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट निकाल के लेके आते हैं, मतलब हर एक इंसान किस तरीके से एक दूसरे के इक्वल रह सकता है, उस पर फोकस यहाँ पर दिया जाता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट की बात की जाए, तो यहाँ पर भी ये माना जाता है कि बेसिक तो कम से कम यहाँ पर राइट है कि उनको बेसिक जो सिक्योरिटी है सोशल की वो तो प्रोवाइड कराई जाए, मतलब इतना तो हक बनता है इंसान का कम से कम। नेक्स्ट कुछ डेटा आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट काफी हो जाता है आप लोगों के लिए, अगर कोई एसे वगैरह लिख रहे हैं इससे रिलेटेड, तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कोई भी इस तरह की स्कीम्स नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। खरगा 84% जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 68 रिपोर्ट है यहाँ पर NSSO की, तो इसके द्वारा ये बातें यहाँ पर की जा रही है। मतलब कहने का ये है जो फॉर्मल सेक्टर होता है वहां पर तो फिर भी सिक्योरिटी रहती है, कई तरह की बातें जैसे एक्सीडेंटल यहाँ पर और एक्सीडेंटल ये कई तरह की अगर बीमे वगैरह हो गए ये सब कराए जाते हैं, फैसिलिटी को इश्यू रहता है, पर लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो इनके बारे में बात की जा रही है कि इनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तो जिस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, मतलब सबको साथ लेके सबके साथ का विकास करके बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग 84% जो हमारे वर्कफोर्स है उनको हम लोग नहीं छोड़ सकते। मतलब कहने का यह 16% ओनली ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और 16% के ऊपर हम लोग अपना झंडा नहीं गाड़ सकते, सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर सोल्यूशन नजर आएंगे। कई सारी बातें इन्होंने खुद भी बोली है, ये भी आप लोग यहाँ ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चैलेंजेस आप लोग यहाँ पर फेस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया भर के प्रोग्राम चला रखे हैं, पर लेकिन एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि ढंग से उसको सबको जानते हो और सबको समझते हो, ठीक है। तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है दुनिया भर की, अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम चलाई जा रही है, वो भी प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी ज्यादा चीज भी खतरनाक हो जाती है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रॉपर वे की कोई स्कीम नहीं है वैसे दुनिया भर की स्कीम है। पुअर कवरेज होता है, मतलब जिसको बेनिफिट मिलना है उसको नहीं मिलता है, पता नहीं कहां कहां तक बेनिफिट मिलता है। एडुकेट यहाँ पर मतलब कंप्लीट बेनिफिट भी नहीं मिलता, जो मिलता है वो भी नामचारे का ही मिलता है। फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, प्रॉपर वे में कंटिन्यूटी नहीं देखने को मिलती है। अगर बात की जाए पुअर क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन इंप्लीमेंटेशन की, किस एरिया में किसको सिलेक्ट करना है और किस एरिया में इंप्लीमेंट करना है, दोनों यहाँ पर आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं रहता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारा बड़ा सेक्शन जो कि यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और रिकमेंडेशन किसके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेकंड नेशनल कमीशन लेबर,
तो इसके द्वारा यहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कि यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए ताकि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम लेबर्स पर इंप्लीमेंट की जा सके। ओके, तो कुछ ऐसा यहाँ पर बात की जाती है, कुछ ऐसा एलिमिनेशन यहाँ पर मिक्सर या फिर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कोई ऐसी बात होनी चाहिए ताकि सबको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कितने सारे चैलेंजेस होते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ना तो हेल्थ की फैसिलिटी रहती है यहाँ पर, ना ही कोई किसी भी तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगा एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, कोई इंश्योरेंस भी नहीं रहता, कोई छुट्टी नहीं रहती है, तो ये सारी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है। ठीक है, सेक्टर जो इंडिया का है, सजेस्ट कीजिए क्या उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो आप लोगों को बताना है प्रॉपर वे का प्लान होना चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सिलेक्शन जो होना चाहिए वो ढंग से होना चाहिए, यानी कि किसी को कहीं पर भी डाल दिया लाकर। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन का पोर्शन हो गया यहाँ पर, लेक्चर 70 आप लोगों को जाकर रिवाइज करना है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, शेड्यूल कास्ट भी है, आगे चल के शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, किस तरीके से इनको अलग किया गया, क्या क्या यहाँ पर बातें होती है, कौन सा अमेंडमेंट था, सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे जाके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को जिनके आंसर देने हैं, और कई सारे स्टूडेंट काफी शानदार क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ नए स्टूडेंट है वो बोलते हैं ये क्या है। देखिए हर एक स्टूडेंट जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट में आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना होता है और उसके साथ में आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। तो इस तरीके का पूरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कार्यक्रम हम लोगों ने चला रखा है, बहुत सारे आप लोगों को 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाते हैं अगर आप लोग ढंग से उनको जाकर पढ़ेंगे तो काफी फायदेमंद है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। ये क्वेश्चन है, इनका आप लोगों को जाकर आंसर देना है, पढ़िएगा इन क्वेश्चन को अच्छे से, फिर कल इनका मैं आप लोगों को आंसर बता दूंगा। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे, उनका थोड़ा आंसर देख लेते हैं आज। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बात की जा रही है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन, तो किसके अंडर ये आती है, ये आप लोगों को मिनिस्ट्री याद रखना है नॉर्मली, ये आप लोग नॉर्मली आप लोग कई तरीके की मिनिस्ट्री यहाँ पर होती है तो कोई भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ब्लू फ्लैग ये सर्टिफिकेट है, ये किस द्वारा ग्रांटेड किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। तो जो आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े एरिया होते हैं, खासकर बीच की बात की जाती है, गोवा में आप लोग देखते हैं घूमने के लिए जाते हैं पर बहुत ज्यादा गंदगी आज के डेट में देखने को मिलती है, तो किस तरीके से बीच को क्लीन किया जा सकता है, जो भी क्लीन अपनी कंट्री में बीच को क्लीन रखता है उसको यहाँ पर ब्लू फ्लैग यहाँ पर ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। बात की जा रही है रिवर ब्रेक के बारे में, कहाँ से कहाँ तक फ्लो होती है इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, कौन सा स्टेट है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आसाम। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया आज हम लोगों ने, पहले आप लोगों को देखने को मिला है 20 फरवरी है और आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी, बार बार नाम याद आ रहा है क्योंकि हमारी ये योजना चल रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारा योजना का आर्टिकल है, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस फेस करते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, पॉलिटिका जाकर रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करने के बाद में डन लिख दीजिएगा जो भी आप लोग रिवाइज कर लेते हैं उसके नीचे, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने आप लोग पानी में है और कितना आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर बातें देखने को मिली कई सारी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानी, सऊदी अरेबिया के बारे में जानी, इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा हम लोगों ने देखी, ये एकलव्य स्कूल के बारे में जाना, एलपीजी पंचायत जरूर याद रखिए कई बार पूछ ली जाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, हम लोगों ने जाना यहाँ पर किस तरीके से इंडिया और ईरान के रिलेशन आगे बढ़ रहे हैं, कई सारी बातें हम लोगों ने देखी यहाँ पर दोनों के रिलेशन के बारे में, और आप लोगों को यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये आप लोगों को मैप में भी दिखाया गया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला ये नवदीप सूरी इंडिया के एम्बेसडर यूएई में, किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला थॉमस कुक अंडमान मैराथन 2018, उसमें भी हम लोगों ने देखा और अंडमान को हम लोगों ने मैप में भी निहारा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला ये किस तरीके से फार्मर की इनकम डबल करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई है 19 और 20, यहाँ पर सब मिलकर काम करेंगे, साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर फार्मर सबके बारे में बात की जा रही है। अगर कोई यहाँ पर बच्चों को घर में चेक करता है लड़का है कि लड़की है, उसके ऊपर यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई हैं किस तरीके से उनको यहाँ पर रोका जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला, इसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला तंबाकू से रिलेटेड बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई, इस पर भी आप लोग थोड़ा फोकस कर सकते हैं और अवेयरनेस अपने आसपास फैला सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिला ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर यहाँ पर है, बताइएगा कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किया कीजिए आप लोग। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पॉलिथीन कम से कम यूज कीजिए या फिर यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ भी मिल जाती है, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।